हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मूवीज मेनिया वॉर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे टॉप 10 बेस्ट कोरियन मूवीज़ और कुछ चाइनीज मूवीज़ की भी बारे में हम बात करेंगे। इन मूवीज़ के अंदर आपको एक्शन, एडवेंचर, थ्रिलर, ड्रामा, हॉरर देखने को मिल जाएगा और इन मूवीज़ को देखने में भी काफ़ी इंटरेस्ट बना रहता है। तो इसलिए आप इन मूवीज़ को मिस नहीं करना चाहता है तो वीडियो पर ज़रूर अंत तक बने रहना। और ये मूवीज़ आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा और इन मूवीज़ को कहाँ देखना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 वाली मूवी है 2020 की पेनिनसुला। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है, पेनिनसुला नाम के एक शहर होता है और ये शहर पूरी तरह से ज़ोंबी से भरा हुआ होता है और इस खतरनाक शहर पर पैसों से भरी एक ट्रक मौजूद होता है और कुछ लोग उस पैसे को निकलने के लिए उस खतरनाक जगह पर निकल पड़ता है। और आप सवाल ये आता है कि उस ट्रक से भरी पैसे को वो सब किस तरह निकलेगा और उस जगह पर किस तरह सर्वाइव करेगा। मूवी आपको हिंदी पे देखने को मिल जाएगा। 5.5 की IMDb रेटिंग दी है इस मूवी को और आप इस मूवी को Amazon Prime Video के अंदर देख सकते हैं। नंबर 9 वाली मूवी है 2017 की द एडवेंचरर्स। तो ये एक चाइनीज मूवी है। मूवी के अंदर कहानी दिखाया है दुनिया की टॉप क्लास चोरों की और ये चोर कमार के होते हैं। उन्हें अपनी किस्मत को अंजाम देने के लिए एक खतरनाक चोरी करना होता है, तब उनका सामना होता है फ्रांस के एक कबीर डिटेक्टिव से और ये डिटेक्टिव उन्हें अपने किस्मत पर कामयाब होने देगा या नहीं देगा ये सब आप मूवी के अंदर देखिए। मूवी आपको हिंदी पे देखने को मिल जाएगा। 5.6 की IMDb रेटिंग दी है इस मूवी को और आप इस मूवी को आसानी से MX प्लेयर ऐप के अंदर देख सकते हैं। नंबर 8 वाली मूवी है 2021 की हार्ट ही। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है एक बिजनेसमैन एक दिन अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए अपनी कार लेके निकल पड़ता है, तब उन्हें एक अननोन कॉल आता है। तब उसे पता चलता है कि उनकी कार में बॉम्ब है। वो जैसे ही उस कार से बाहर निकलेगा वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। और अब ये बिजनेसमैन अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या करता है वो आप मूवी के अंदर देखिए। मूवी आपको हिंदी पे देखने को मिल जाएगा। 6.1 की IMDb रेटिंग दी है इस मूवी को और आप इसे VR OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। नंबर 7 वाली मूवी है 2016 की ऑपरेशन मेकॉन। ये एक चाइनीज मूवी है। मूवी के अंदर कहानी दिखाया है थाईलैंड और चाइना के बीच मेकॉन नाम की एक रिवर बहता है और ये इलाका स्मगलर लोगों का होता है और चाइना वाले उस इलाके में बेस्ट पुलिस फोर्स भेजते हैं ताकि वहां से स्मगलर लोगों की दहशत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मूवी आपको हिंदी पे देखने को मिल जाएगा। 6.6 की IMDb रेटिंग दी है इस मूवी को और आप इस मूवी को आसानी से MX प्लेयर ऐप के अंदर देख सकते हैं। नंबर 6 वाली मूवी है 2017 की कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट। तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है एक सिपाही और एक पुलिस ऑफिसर मिल के काम करते हैं जिसे पकड़ना है एक मास्टरमाइंड क्रिमिनल को जिसने अपने देश को पैसों के लिए धोखा दे दिया था। मूवी के अंदर एक्शन, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा भरपूर देखने को मिलता है और मूवी को हिंदी पे देख सकते हैं। 6.6 की IMDb रेटिंग दी है इस मूवी को और आप इसे आसानी से MX प्लेयर ऐप के अंदर देख सकते हैं। नंबर 5 वाली मूवी है 2016 की मास्टर। तो ये सच में एक मास्टरपीस मूवी होने वाला है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है एक बिजनेसमैन, एक पुलिस ऑफिसर और एक हैकर। अब ये बिजनेसमैन एक नकली फाइनेंशियल कंपनी खोलता है जिसके बाद वो लोगों को धोखा दे के दुनिया से यूं ही गायब हो जाता है। तब उस पुलिस ऑफिसर को उस हैकर के साथ मिलकर उस बिजनेसमैन को पकड़ना पड़ जाता है और आगे जो होता है वो तो देखने का लायक है। मूवी को 6.6 की IMDb रेटिंग दी है। मूवी आपको हिंदी पे देखने को मिल जाएगा और इस मूवी को आसानी से MX प्लेयर ऐप के अंदर आप देख सकते हैं। नंबर 4 वाली मूवी है 2013 की कमिटमेंट। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है भाई और बहन की। एक भाई को अपनी बहन की आज़ादी के लिए उन्हें एक जासूस बनना पड़ जाता है और आप ये भाई
अपनी मकसद पर कामयाब होता या नहीं, ये सब आप मूवी के अंदर देखिए। मूवी आपको हिंदी पे देखने को मिल जाएगा। 6.7 की IMDb रेटिंग दी है इस मूवी को और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 3 वाली मूवी है 2018 की ऑपरेशन रेड सी। तो ये एक चाइनीज मूवी है। मूवी के अंदर कहानी दिखाया है हावी नाम के एक शहर जहाँ टेररिज्म की राज है, जहाँ दिन दहाड़े खून खराबा होते रहता है और चाइना की बेस्ट नेवी सिपाही उस जगह पर रेस्क्यू मिशन के लिए भेजा जाता है। और इस मूवी के अंदर एक्शन देखने को मिलते हैं वो तो कमाल की है, एक से एक ब्रोतर खून खराबा सीन। और मूवी आपको हिंदी पे देखने को मिल जाएगा। 6.7 की IMDb रेटिंग दी है इस मूवी को और आप इस मूवी को आसानी से MX Player ऐप के अंदर देख सकते हैं। नंबर 2 वाली मूवी है 2021 की किंगडम अश्विन ऑफ द नॉर्थ। तो इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है आशीम नाम की एक लड़की जिसकी गांव को पूरी तरह से जला दिया जाता है, जहां अकेला वो ही बच जाता है, जिसकी बात उसकी पास एक ही लाख होता है बदला। मूवी फिलर टू हिंदी पे अवेलेबल नहीं है। 7.0 की IMDb रेटिंग दी है इस मूवी को और आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 1 वाली मूवी है 2016 की द वाइलिंग। तो ये एक ट्रेलर हॉरर मिस्ट्रियस मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाया है एक गांव, जिस गांव के अंदर धीरे धीरे लोग मरने लगता है और लोग कहते हैं शैतान की साया है उस गांव में। और एक पुलिस ऑफिसर जिसकी बेटी के ऊपर शैतान की साया पड़ जाता है, धीरे धीरे सिचुएशन हाथ से इतना बदतर हो जाता है, यही सोचने लग जाओगे कि आप मूवी किस तरह एंड होने वाला है। मूवी हिंदी पे देखने को मिल जाएगा। 7.5 की IMDb रेटिंग दी है इस मूवी को और आप इस मूवी को Amazon Prime Video के अंदर देख सकते हैं। तो ये वक्त है वीडियो को यही एंड करने की। ऐसे ही कंटेंट्स के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सच में एक मूवी फैन है तो ज़रूर करना, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, जो भी हो कर देना, क्योंकि हम फिर मिलते हैं एक नई एपिसोड और नई वीडियो में।